और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके बैग में, जो बैग आप अपने साथ कैरी करते हो, उस बैग में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको रखना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें क्या हैं? अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी मानिया। और उम्मीद करती हूँ कि जी आप सभी खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो है जी, टाइटल से आपको पता चल गया होगा जी, व्हाट इज़ इन माई बैग। मीन्स ये कि आप जब ट्रैवल करते हो, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके बैग में, जो बैग आप अपने साथ कैरी करते हो, उस बैग में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको रखना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें क्या हैं। चलिए जी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो चीज़ें ड्यूरिंग ट्रैवल करते हुए, अगर आप एक लंबा सफ़र कर रहे हो और उसमें ट्रैवलिंग के दौरान आपको, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, वो सब चीज़ें जो मैंने सीखी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो भी मैंने जो एक्सपीरियंस मेरा रहा और जिन जो जो चीज़ें आपके बैग में आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको भी बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है जी ऑफकोर्स आपका सेलफोन, जिसके बगैर दुनिया, आजकल हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो सेलफोन तो सबसे पहले हम रखते हैं अपने अपने बैग में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आती है जी पावर बैंक। ये पावर बैंक जो होता है ना, आप अगर सेलफोन तो आपने रखी और अगर पावर बैंक नहीं रखना, तो समझ लें कि सेलफोन आपका कभी भी जो है वो बंद हो सकता है। तो पावर बैंक आप मस्ट रखें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं पावर बैंक की जो केबल है ना, वो साथ इसके वायर अटैच करके ही अपने बैग में रखती हूँ। इससे ये होता है कि आप आपको इधर उधर सामान में से अपने जो है पावर बैंक या उसकी वायर को फाइंड नहीं करना पड़ता। इसलिए पावर बैंक जो है वो मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है जी हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आप मस्ट रखा करें अपने बैग में, क्योंकि जी ट्रैवल करते हुए हमें बहुत सी ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर आप कह लो कि पानी नहीं अवेलेबल होता, तो हमें अब कुछ खाना पड़ जाता है कुछ भी अपने हैंड्स, तो हैंड सैनिटाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके जो है वो खाना खा सको। ये चीज़ तो मस्ट है। के बाद जो आती है नेक्स्ट चीज, वो है जी ये सुई धागा। आप सोच के हंस रहे होगे ना मेरे पर कि यार ये क्या बता रही है कि यहाँ पे सिलाई कढ़ाई इसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन ट्रस्ट मी आप अगर ट्रैवलिंग पे निकले हुए हो एक लंबा सफ़र करने के लिए, तो एक सुई धागा अपने बैग में मस्ट रखो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि कभी भी आपका कहीं से ट्राउज़र या आपकी शर्ट कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर ख़राब अब उधड़ जाए या ख़राब फट फुट जाए, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुई धागा आपने जो है ये अपने बैग में मस्ट रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने बैग में मस्ट रखो। हाँ जी, उसके बाद ये जी है मेरा छोटू सा वॉलेट, जिसमें आप अपने कैश वगैरह सब कुछ जो है वो रख सकते हो। उसके बाद आती है जी नेक्स्ट चीज़, क्या आती है ये पाउच। इस तरह का एक पाउच जो है ना छोटा सा, आप अपने बैग में मस्ट रखो। अब इस पाउच के अंदर क्या आपने रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आप कह लो कि ये चीज़ें मैंने ट्रैवल कर करके सीखी हैं कि ये चीज़ें आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है, इनकी ट्रस्ट में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये पाउच आपने क्यों बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको इसके अंदर चीज़ें क्या हैं वो बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, इस पाउच के अंदर ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को, मतलब हम लोग जब निकलते हैं तो बहुत लंबा सफ़र करने के बाद ऑफकोर्स हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेश होने की। तो आप फ्रेश होने जा रहे हो, तो यार अगर आप सफ़र पे निकले हो, कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हो और पिक्चर्स ना हो और वीडियोस क्लिप ना हो, तो कैसा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स अपने आप को, जारी बात है, फ्रेश तो दिखना चाहिए ना। तो ये चीज़ें ना आप जब मीन ये कि वॉशरूम में जाएँ, तो ये आप क्या करो कि ये पाउच अपने साथ ले जाओ और इसमें आपने वो तमाम चीज़ें रखनी है जो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है जी आपका जी मॉइस्चराइज़र। आप
इस पाउच में छोटू सा एक जो है वो मॉइस्चराइजर रख लो, ठीक है, जिससे आप अपने फेस अगर आप वॉश कर रहे हो, अगर आपने फेस वॉश करना है तो अपना फेस वॉश जो है वो मस्ट रखें। अब फेस वॉश जो है वो तो ऑफकोर्स बहुत बड़े होते हैं, तो इस टाइप के जो कंटेनर्स हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें आप अपना जो थोड़ा सा, मतलब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है अपना फेस वॉश, मतलब आप कह लो कि जिससे आपका एक या दो दफ़ा फेस जो है वो वॉश हो जाए, तो ये आप रख सकते हो इस तरह से फेस वॉश करने के लिए। और एक हो गया जी मॉइस्चराइजर। अब आपने वहाँ पे अपना फेस वॉश किया, वॉशरूम में गए, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, और यस एक छोटू सी जो है वो मैं अपने बैग में जो है वो बीबी क्रीम, ये तो मेरी वैसे होममेड बीबी क्रीम है, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आपने इसकी नहीं देखी तो इसकी भी जाकर देख लो वीडियो। अच्छा ये होम बीबी क्रीम जो है ये अगर आप थोड़ी सी फाउंडेशन अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी इसमें इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स में जो है वो डाल के आप रख सकते हो, जो कि स्पेस कम लें, इस तरह की चीज़ें लेनी जो स्पेस कम लें, छोटी छोटी हो, ठीक है। तो आप क्या करो अपना फेस वॉश करो, उसके बाद आप ये अपना कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आपका वो अप्लाई करो, और उसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट जो आप एक न्यूड शेड का कोई भी लिप ग्लॉस या लिपस्टिक जो है रख लो, जो आपके सब ब्रशेस के साथ मैच हो जाए वो आप इसमें रख सकते हो, और ऑफ कोर्स आप टिंट रख लो एक, ठीक है। टिंट से ये होगा कि आपका कंप्लीट जो है वो एक फ्रेश लुक आ जाएगा, आप अपने लिप्स पे अप्लाई करो, चीक्स पे करो, ठीक है। तो लिप टिंट आप मस्ट रखें इसमें, उसके बाद आप उसमें कॉम्पैक्ट अगर रखना चाहते हो तो रख लो, अगर नहीं ज़रूरत है तो, लेकिन मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैं रखती हूँ। और यस मेरी जो है ज़िंदगी, आप कह लो कि मैं काजल बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ इसलिए मैं एक काजल पेंसिल रखती हूँ, अगर आप भी उनमें से हैं जो काजल लगाने के काजल लवर्स हैं तो वो भी एक काजल पेंसिल जो है वो मस्ट रखें अपने बैग में। और यस मस्कारा भी एक जो आप ज़रूर रखें अपने बैग में, इससे ये कि आपकी आई ज़रा थोड़ी सी जो मस्कारा से थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ा सा काजल लगाया और मस्कारा लगाया। और यस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लेंस लगाते हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हो, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आई सेट के लेंस लगाते हैं और क्या करते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी आईज़ में वो इरिटेट करने लग जाते हैं, तो ये जो इसका इसकी जो होती है ना लेंसेज की जो होती है डिब्बी होती है आप कंटेनर के अंदर इसको जो इसकी वो आपने मस्ट अपने इसमें रखनी है इस पाउच में, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप जाओ अपने हैंड वॉश करो अपने लेंस को आप रिमूव कर सको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनकी अगर आप वॉशरूम जाओगे उसके बाद अपनी यूज़ करो आप चीज़ें, ठीक है, और फ्रेश हो जाओ और इंजॉय करो जी, उसके बाद फ्रेश होके एकदम निकलो और अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाओ अपनी, ठीक है। तो ये तो हो गया वो पाउच जिसमें आपने अपनी ब्यूटी की कुछ चीज़ें मेकअप की रखी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बगैर मैं कह लो कि मेरी ज़िंदगी अधूरी है, वो है जी परफ्यूम, ठीक है। एक छोटा सा जो पॉकेट परफ्यूम्स होते हैं ना इस तरह के, वो आप अपने बैग में मस्ट रखें, क्योंकि मैं तो वैसे फ्रेगनेंस लवर हूँ, ठीक है, तो परफ्यूम का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्वेटिंग हो जाती है या आप इधर उधर हो तो नीचे के सहा से ही आपके बैग में मस्ट होना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, क्या आती है जी, जो मैं अपने बैग में रखती हूँ मस्ट रखती हूँ, वो है जी ये मेरे सनग्लासेस। ये तो इसके बगैर तो आप अपनी शो की नहीं मार सकते ना, मतलब हमारी इनकम्प्लीट होता है हमारा लुक, तो पिक्चर्स में इससे बहुत अच्छी लगती है, बनती हैं, तो ये तो मैं आप कह लो कि मस्ट रखती हूँ, तो ये आपने मस्ट रखना है, ये मैं रखती हूँ, आप अगर आप भूल भी जाओ तो यार इसको मस्ट रखना, इसके बगैर ना ये भी हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सनग्लासेस होते हैं मेरे बैग में। उसके बाद जी क्या होता है मेरे बैग में, अफकोर्स यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस ये हैंड फ्री इस तरह के पाउच में आप डाल के रख लो, अगर आपके पास, मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, ठीक है, उसको आप इसके अंदर डाल के रख लो ताकि आपकी इधर उधर जो है वो ख़राब नहीं हो, ये आप अपनी ही रखो यार, ये इसका हैंड फ्री का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना ना, समटाइम किसी का दिल कर रहा होता है, किसी का नहीं सुन रहा कर रहा होता है, तो ये आपने मस्ट रखनी है, मैं तो इसको भैया मस्ट रखती हूँ, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद कॉम का होना तो बहुत ही ज़रूरी है यार, बाल आपको सही करने पड़ते हैं, तो कॉम नहीं होगी तो फिर बाल कैसे हमारे सेट होंगे, तो कॉम का होना भी बहुत ज़रूरी है।
आती है नेक्स्ट चीज़, वो है जी, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और वो है जी ये च्युइंगम एज अ माउथ फ्रेशर, ठीक है, ये भी मैं मस्ट रखती हूँ अपने बैग में, और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप मस्ट रखा करें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है जिसकी आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अशद ज़रूरत पड़ती है, वो है जी ये कुछ मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स आप मस्ट रखें, जैसे कि पेन किलर हो गई, पैनाडोल हो गई, डिस्प्रिन हो गई, इस तरह की, ये देखें ये मेडिसिन्स जो है ना, ये तो अपने बैग में ट्रैवल करते वक्त ना आप अपने बैग में इनको रखना मस्ट रखें, इनको मस्ट रखें, पैनाडोल, ये कुछ पेन किलर्स हैं, डिस्प्रिन, हेडेक स्टार्ट हो जाए तो ये आपने मस्ट रखनी है, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि जी कभी ऐसा भी होता है कि आप मतलब सफ़र कर रहे हो और वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती कि जा के आप, यार अगर आपको पेन हो रही है, हेडेक स्टार्ट हो गया है, या आपको कहीं भी मतलब आपको लग रहा है कि जी अब तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो ये चीज़ें ना आप बाय भी नहीं कर सकते वहाँ पे, आपको फौरन से कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगा कि जाके आप ले लो, तो ये तो आपने सबसे पहले अपने बैग में रखनी, पेन किलर होगी, ठीक है, कोई भी पेन किलर है, पैनाडोल है, हेडेक के लिए डिस्प्रिन है, ये कॉमन जो दो तीन होती मेडिसिन की आपने मस्ट रखनी है, ये मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये मस्ट रखिएगा। उसके बाद भी नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये कि आपने क्या रखनी है कि यार हम लोग ज़रा बाल शाल खोल के जाते हैं तो सारी बातें कहीं बाल को बांधा भी पड़ जाता है अगर नहीं मूड होता, इस तरह के एक दो रबड़ बैंड्स और एक अदर आप जो है कैचर, इस तरह का ये अपने बैग में मस्ट रखें, इनकी भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है ट्रैवल करते वक्त। और इसके बाद जी और क्या है जी, हाँ जी, मैं अपने बैग में जी इस तरह का ये मास्क भी रखती हूँ, फेस मास्क जो है वो मतलब ये कि ये भी ज़रूरी है, मुझे अब भी ऐसा हो गया है कि कुछ लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन यार इसको मस्ट रखा करो, ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कई जगहों पे, तो ये मस्ट रखा करें आप। उसके बाद इस तरह का एक टिश्यू छो स्मॉल जो टिश्यू पेपर्स जो होते हैं आपके लोग के पॉकेट ये कह लें कि मैं रखने वाला, इस तरह के छोटे से जो होते हैं आपके पास, वो आपने मस्ट अपने बैग में रखने हैं। आई नो कि कार में होते हैं, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन ये कि अपने बैग में आप मस्ट रखो, कहीं आप वॉशरूम जा रहे हो, आपने अगर अपना फेस वॉश करना है, वॉश किया तो आप जो है अपना फेस जो है वो इससे अपना जो फेस आप क्लीन कर लो, साफ कर लो, तो ये मस्ट होना चाहिए आपके बैग में, ये अपने ही यूज़ करो, हाइजीन कॉन्शियस होना चाहिए। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अपने बैग में रखती हूँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग करते हुए, ठीक है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी मुझे ट्रैवलिंग करते हुए बहुत ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और सम टाइम तो ऐसा होता था कि यार कुछ चीज़ें तो मुझे अवेलेबल भी नहीं होती थी, और कुछ मुझे बैग्स पूरा अपना सामान खोल कर वो चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, फाइंड करनी पड़ती थी, और निकाल के जब उनको यूज़ करना होता था तो बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये तमाम जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जिन चीज़ों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत ट्रैवल करते हुए पड़ी है और वो चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए, क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ कि आपकी उससे अगर आपकी कोई हेल्प हो सकती है या आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव है वो चीज़ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँ। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं ट्रैवल करते हुए अपने बैग में रखती हूँ। बाकी अगर इसमें से कुछ मिस हो गया है या आपको लगता है कि वो भी मेरे बैग में या आप सबके बैग में होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते, आप सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, रितिक जी, अल्लाह हाफिज़।